हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मास्टर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है और आज उसका पार्ट 5 है। कल के दिन हमने पार्ट 4 देखा था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को आइटरेट करके दिखाया था, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एरे को आइटरेट किया था, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे को कितने कितने लूप्स हैं जिसकी मदद से हम एरे को आइटरेट कर सकते हैं। तो आज उसी को हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं जितने भी लूप से आपको एरे को आइटरेट करके दिखाऊंगा, आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा लूप अच्छा लगा और आप पर्सनली कौन सा यूज करते हैं, और मैं फिर आपको बताऊंगा मुझे कौन सा पसंद है और मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ एरे को आइटरेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पार्ट 5 जो है वो टाइटल डाल दिया, यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले हम आइटरेट करेंगे मैप। मैप मेथड एक हाई ऑर्डर एरे मेथड है ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं, एरे बना लेते हैं, मल्टीपल मल्टीपल फ्रूट्स डाल देते हैं इसके अंदर। एप्पल, तो पहले आगे पीछे जैसे बनाना नहीं लिखते, पहले अब ग्रेप्स लिखते हैं। मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ, अब लिखते हैं बनाना, उसके बाद लिखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज नहीं लिखा मैंने, ऑरेंज लिख देता हूँ। तो ये मल्टीपल फ्रूट्स डाल दिए। अब मुझे इसकी करनी है पहले सॉर्टिंग। ये एक एरे का मेथड है, इससे क्या होता है सॉर्टिंग हो जाती है। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कंसोल डॉट लॉग arr, सॉर्टिंग के बाद भी एरर को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। सॉरी, कॉपी पाथ एंड गूगल क्रोम पर आए, पेस्ट किया, इंटर किया, और कंसोल में आते हैं और देखते हैं रिजल्ट। मैं कंसोल को नीचे खोल लेता हूँ इधर। तो देखिए, पहले एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज प्रिंट हो रहा है, सिंपल जैसे हमने लिखा एप्पल ग्रेप्स बनाना ऑरेंज। तो नहीं, ये किधर मिस्टेक हो गई है शायद, दोनों बार ये क्यों ऐसे प्रिंट कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग arr को मैंने प्रिंट कराया पहले, और फिर arr की सॉर्टिंग की, फिर उसके बाद arr को प्रिंट कराया। मैं रिफ्रेश करता हूँ जरा, सही है, रिफ्रेश करने से सही हो गया। पहले आया एप्पल ग्रेप्स बनाना ऑरेंज, पहले जैसे हमने लिखा था, उसके बाद आया एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज। जिसने क्या किया, सॉर्टिंग कर दी, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर जो उसके बाद जी आता है लाइन वाइज, फिर ओ। इसमें क्या हो रहा है, पहले पहले सिंपल प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग होकर प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमारा टारगेट तो ये नहीं है, हमने तो प्रिंट कराना है मैप मेथड की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, arr किसके साथ यूज करना है मैप मेथड, इस एरे के साथ ना। तो इस एरे की जो वैल्यू है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, वो arr में स्टोर है। तो arr डॉट मैप, मैप क्या करता है, एक एरो फंक्शन लेता है, और इस एरो फंक्शन के अंदर आते हैं तीन आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले करंट एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, और तीसरा आप कौन से एरे के साथ खेल रहे हो। मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, मुझे सिर्फ ये दो चाहिए, करंट एलिमेंट और इंडेक्स। अब ये जो करंट एलिमेंट है, एरे की सारी वैल्यूज इस करंट एलिमेंट के अंदर आ चुकी हैं। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करंट एलिमेंट करूंगा, और आपको दिखाता हूं, मैं फाइल को करता हूं सेव और आपको दिखाता हूं, तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा एरे जो है वो आइटरेट हो चुका है। करंट एलिमेंट के अंदर आ गई सारी की सारी इस एरे की वैल्यूज। और अगर मैं अगर इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं करा सकता हूँ, थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइल को करता हूँ सेव और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, 0 पे एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे ग्रेप्स और 3 पे ऑरेंज। तो देखा कितनी इजीली हमने मैप मेथड की हेल्प से एरे की वैल्यूज को आइट्रेट कर दिया। अब इसको करते हैं कमेंट, इधर लिख देता हूँ मैपिंग, मैप मेथड लिख देता हूँ। सेकंड पे फॉर ईच की हेल्प से करते हैं, फॉर ईच भी लूप है, सिंपल वही काम, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैप की जगह आ जाएगा
फॉर इच, बाकी सब वही है और सेम काम करेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। फॉर इच मैं आपको दिखाता हूँ, सेम ये भी वही उसी तरह आर्गुमेंट लेता है, रिफ्रेश करने से कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल सेम काम कर रहा है। इसी तरह थर्ड देखते हैं, थर्ड पे आता है फॉर लूप। फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से, आई लेस देन कहाँ तक चले, जहां तक इस एरे की लेंथ है, मतलब आपको बताता हूँ, पहले लिख लो, लेंथ है कहाँ तक, यहां तक, जितनी भी लेंथ है टोटल लेंथ है यहां तक, यहां पर मेरा कर्सर है, यहां तक ये चलेगा। और इस बार इसमें हर बार क्या होगा, आई जो है वो प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, तभी तो ये चलेगा। तो तीन स्टेजेस जो है वो हमने डाल दिए। कंसोल डॉट लॉग ARR करूं तो देखिएगा सारे के सारे जो है वो मेरे पास जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। साथ में इसके इंडेक्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फाइल को करता हूँ सेव और रिफ्रेश करता हूँ तो साथ में जो है वो इंडेक्स भी प्रिंट हो रहा है। फॉर से देख लिया, फॉर ईच से देख लिया, मैप से देख लिया। अब वो मेथड देखते हैं जो सबसे इजी है, जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में देखा था, फॉर ऑफ लूप, सबसे बेस्ट वे टू प्रिंटिंग आइटरेटिंग लूप, सॉरी आइटरेटिंग एरे, बेस्ट वे टू आइटरेटिंग एरे एरे वैल्यूज फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप। यहां पर सिंपल लिखना है फॉर, और यहां पर एक वेरिएबल का नाम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद जो सा एरे उसका नाम। कंसोल डॉट लॉग यार सॉरी की, फाइल को करता हूं सेव तो सारे के सारे जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम इसमें से, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है इस एरेस की वैल्यू को आइट्रेट करने का। तो और अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हेल्पफुल नहीं लगा तो कोई भी जरूरत नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने की। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे दिल से खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।